हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खादीवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम पिछले कुछ एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे वेक्टर चैप्टर के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कि नीट 2016 में आया हुआ है। इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, यानी दो वेक्टर हैं उनकी मैग्नीट्यूड का सम, लेट ए और बी दो वेक्टर मान लेता हूँ मैं, और इनकी मैग्नीट्यूड का क्या है सम, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ये डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के क्या है इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो ये पूछा है कि आपसे कि जो एंगल है वो कितना होगा दोनों के बीच में। तो आप सब जानते हैं ए प्लस बी का मोड क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ओके, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, फोर ए बी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता, और फोर तो जीरो के इक्वल होता ही नहीं, क्योंकि ए और बी तो आपको वैक्टर से दे रखे हैं। अगर जीरो होता तो ये जीरो वेक्टर हो जाते हैं। ए बी और फोर तो जीरो के इक्वल नहीं होंगे, यानी ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये किसके कारण जीरो हो रहा है, कोस ऑफ थीटा के कारण। मैंने कहा था इसका क्या है, दैट इज कोस ऑफ थीटा यहाँ पर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। और कोस जीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस 90 क्या रहता है, जीरो, ठीक है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री जब कोस थीटा होगा उस समय जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा हो गया 90। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो कि मणिपाल 2015 में आया हुआ है, उसके अंदर कह रखा है कि दो आपको वेक्टर्स दे रखे हैं। ओके, एक ये वेक्टर दिया हुआ है और एक ये वेक्टर दिया हुआ है, और ऐसे कह रखा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए, जब भी दो वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आए उसके अंदर ऐसा कहा जाए कि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। बात समझ गए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब भी आपको दो वेक्टर क्या दिए हुए हो परपेंडिकुलर, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। तो दोनों का क्या कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट यानी 2i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट। देखिए, इसमें पहले j लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है, आई वाला बाद में, इसको पहले लिख सकते हैं अपन, माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का अल्फा के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। कितना हो जाएगा, 4 × 8 − 3 = 12 और प्लस का 8α, ये किसके इक्वल है, जीरो। 12 में से 8 गए तो 4 बचे अपने पास, 4 + 8α = 0, यानी 8α = कितना हुआ, माइनस का 4 उस साइड में जाएगा। तो दिस इंप्लाई α = −4/8, दिस इंप्लाई α = −1/2, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है, द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर पी, एक वेक्टर दिया हुआ है पी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर, और वो किस कहलाऊं, एक्स एक्सिस कहलाऊं, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस कहलाऊं, क्या होता है आई कैप, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल आपको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और वो किसके इक्वल होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली जानते हैं दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, यानी पी डॉट एक्स ले लेते हैं, कोई भी जो वेक्टर होता है वो किसके इक्वल है, इसके मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। आप सबने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा, अगर मैं दोनों के ऊपर अलग अलग वेक्टर लगा दूँ। अपने को थीटा निकालना है, तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर एक्स वेक्टर, ये नीचे आ जाएंगे, मोड़ो पी मोड़ो एक्स। अब पी और एक्स तो अपने को दिए हुए हैं, सिंपली पी क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप,
ओके दूसरा यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होता है, ऑफ कोर्स आई कैप होता है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रूट ले लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एक्स तो अकेला आई है तो रूट ऑफ 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, कोस ऑफ थीटा यहां से किसके इक्वल आ गया आई का, आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 1 1 यानी रूट 3, और इसका क्या हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा, यहां से कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन रूट 3, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, जो कि आपका आंसर होगा। तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है कि दो इक्वल वेक्टर्स है, तो मान लीजिए मैं कोई वेक्टर ले लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ बी, और ये दोनों क्या है इक्वल है, एंड ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड से क्या है इक्वल है। ओके हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू इधर ऑफ द टू, यानी इनका जो रिजल्टेंट आएगा लेट क्या आएगा आर, वो क्या कह रहा है या तो ए के इक्वल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बी के इक्वल हो सकता है, बाकी ए और बी तो एक दूसरे के क्या है पहले से इक्वल है, कहने का अर्थ इसका क्या है कि आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है ए इज इक्वल टू बी, लेट क्या मान लेते हैं स्मॉल ए मान लेते हैं। तो अब ये ऐसा कह रहा है कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, हम सब जानते हैं आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, स्क्वायर कर देता हूँ रूट नहीं आएगा, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए आर की जगह ए पुट करेंगे तो ए का स्क्वायर, इसकी जगह ए पुट करेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2a into a into cos ऑफ थीटा, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, यानी 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये फिर से स्क्वायर 2a² cos ऑफ थीटा हो गया। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² cos ऑफ थीटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया 2 cos ऑफ थीटा बच गया। अब आपको क्या करना है cos ऑफ थीटा निकालना है, तो क्या होगा माइनस का 1 अपॉन 2, और cos थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 120 डिग्री हो। ओके तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्या कहा गया है कि इफ ए वेक्टर ए हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी आपको ए वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ आपको 8 दिया हुआ है, इज एडेड टू ए वेक्टर बी, अगर ए को बी के साथ क्या किया जाता है एड किया जाता है ठीक है, विच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस में लाई करता है यानी बी आई कैप। ओके देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लाइज अलोंग वाई एक्सिस, तब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो वाई एक्सिस में क्या करेगा लाई यानी आर जे कैप, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको फर्स्ट। ओके सेकंड में क्या कह रहा है एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट ऑफ बी, और आर की जो मैग्नीट्यूड है ओके वो ट्वाइस ऑफ क्या है बी दे रखी है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर इक्वेशन सेकंड डाल लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूछा है कि बी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो यहाँ से क्या करिए आप सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए यूजिंग 2a फर्स्ट, तो a प्लस बी आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर की जगह 2b जे कैप हो जाएगा यहाँ से, तो दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा 2b जे कैप माइनस बी आई कैप हो, क्या कीजिए इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ए का क्या हो जाएगा यहाँ से ए का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है माइनस बी का स्क्वायर। ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5b का स्क्वायर आ गया। आपको बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और ए आपको दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए ए की जगह क्या पुट करेंगे 8, देयरफॉर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर, यानी 64 इज इक्वल टू 5b का
स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 64 बाय 5, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके अंदर आपको दो वेक्टर a और b दे रखे हैं जिसके मैग्नीट्यूड क्या दे रखी है x, यानी कि a और b जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है x है, और एंगल जो दे रखा है आपको दोनों के बीच वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दो कॉलम दिए हुए हैं, ए कॉलम को बी कॉलम के साथ क्या करना है मैच करना है। तो फर्स्ट ए की बात करते हैं, आपको दे रखा है ए प्लस बी का मोड, इसका मीन्स क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, और क्या हो गया रूट हो गया, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आर आएगा। तो यहाँ से देखिए ए किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर, ए किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कोस, एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, इसका क्या हो गया रूट हो गया यहाँ से। तो इसकी तो इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2x स्क्वायर cos 61 अपॉन 2 रहता है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी का जो मोड आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, देखिए रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी रूट ऑफ 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाई a प्लस बी किसके इक्वल हो गया रूट 3 इंटू एक्स के इक्वल हो गया। सेकंड आपसे पूछा है a माइनस बी, सिंपली क्या करना है वही फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2ab cos ऑफ थीटा, यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x का स्क्वायर, और cos 60 कितना है 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, यानी आपका a माइनस बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या होता है x होता है, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया x के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है a डॉट b, आप सब जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या आता है ab cos ऑफ थीटा, a कितना है x, b कितना दे रखा है x, और cos ऑफ एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, यानी एक्स स्क्वायर इंटू cos 60 किसके इक्वल होता है 1 अपॉन 2, इसका मतलब a डॉट b आपके पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया है। एट लास्ट आपको क्या निकालना है d, जो कि क्या दे रखा है a क्रॉस b आप जानते हैं क्या होता है ab साइन ऑफ थीटा होता है, a की वैल्यू x है b की वैल्यू x है साइन 60, साइन 60 आप लोग जानते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 बाई 2, तो यहां से क्या हो जाएगा रूट 3 बाई 2 एक्स का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया आपका a क्रॉस b के इक्वल, सभी को क्या कर लीजिए मैच कर लीजिए, तो a प्लस b देखिए किसके इक्वल आ रहा है रूट 3 एक्स के इक्वल आया है, यानी ये हो गया। सेकंड a माइनस बी एक्स आया है तो ये इससे कनेक्ट हो गया। सी देखिए a डॉट b आपका किसके इक्वल आया एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ है नहीं तो ये तो क्या हो जाएगा नन हो जाएगा, और a क्रॉस b किसके इक्वल आया रूट 3 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन बना रखे हैं, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन कर लेते हो तो चार क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आपको दो कॉलम दे रखे हैं पहले क्वेश्चन की तरह, एक को दूसरे के साथ क्या करना है मैच करना है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ओके, और एक में ही चार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट दे रखा आपको ए डॉट बी, ये किसके इक्वल है ए क्रॉस बी के इक्वल दे रखा है, ये कंडीशन कब होगी आप सब लोग जानते हो ए डॉट बी तो क्या होता है ए बी कोस ऑफ थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी ऑफ कोर्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कब, जब कोस थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के क्या हो इक्वल, और आप सब जानते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2, यानी यहाँ पर थीटा कितना होना जरूरी है 45 डिग्री। ओके, फर्स्ट आपका क्या हो गया सोल्व, सेकेंड
बी की बात करते हैं। सेकंड दे रखा आपको ए डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। पहले बात करते हैं ए डॉट बी होता क्या है, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। फर्स्ट थिंग कि इस कोस थीटा को गायब करना पड़ेगा, तो कोस थीटा वन बनाना पड़ेगा, और वन कब होता है जब थीटा क्या हो जीरो डिग्री हो या फिर क्या हो 180 डिग्री हो। ओके, फर्स्ट कंडीशन लग गई आपके पास, तो यहाँ से क्या होगा ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा ए बी। अब इसको बी स्क्वायर बनाना है तो एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, जब ए किसके इक्वल हो बी के इक्वल हो, तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा बी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सी कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ए प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो। क्या चीज होती है कि a प्लस बी क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। देखिए ये साइड तो दोनों की क्या है सेम है, डिफरेंस किस में है, ये इसमें प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइनस। अगर मैं आगे वाली टर्म को इसको पूरी जीरो कर दूं और इसको भी क्या कर दूं जीरो कर दूं, तो क्या इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए बी तो कभी जीरो नहीं होगा, टू भी जीरो नहीं होगा, यानी कोस थीटा को जीरो करना पड़ेगा। कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो 90। जब थीटा दोनों में 90 पुट करेंगे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 के ऊपर ये कंडीशन आ जाएगी। और फोर्थ कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पर डी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। चलिए ए क्रॉस बी होता क्या है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब ये ए बी के इक्वल कब आएगा, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा ए बी। तो अब आप क्या कर लीजिए, इनको मैच कर लीजिए, तो देखिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा नन हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी इसका आर हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस बी कब होगा, जब आपको क्या दे रखा है कि थीटा कितना हो 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा इसके लिए बी हो जाएगा। और लास्ट ए क्रॉस बी कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी इसके लिए भी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अच्छा, बी के लिए एक कंडीशन तो क्या थी, ए इज इक्वल टू बी थी, और फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जीरो और 180, यानी बी के लिए दो होगा, एक तो आर आंसर होगा और एक क्या होगा, तो बी के लिए एक आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यू, और एक क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, दो हो जाएंगे इसके लिए। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, रूट ऑफ 3 ए डॉट बी। तो देन वैल्यू ए प्लस बी, ए प्लस बी की आपको क्या करनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो आप सब जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, रूट ऑफ ए डॉट बी दे रखी है। ए क्रॉस बी आप जानते हैं क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और ये क्या हो गया ए बी कोस ऑफ थीटा हो गया। ए बी से भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, कोस पे इधर ले आएगी, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास, रूट 3। और आपको पता है जब थीटा कितना हो 60 डिग्री हो, तब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, रूट 3 के इक्वल होता है। अब मेरे को ए प्लस बी का क्या निकालना है, मॉड निकालना है, जो कि किसके इक्वल होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोस कितना होता है 60 वन अपॉन टू, इससे क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 पावर दे रहे थे, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, यानी ए डॉट बी जीरो है और ए डॉट सी क्या है जीरो। देन द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, तो ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा, आप सब जानते हैं जब भी कोई किसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, यानी अगर किसी का
दो वेक्टर का दो प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मीन्स देखिए ए डॉट बी क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है, जीरो, इसका मतलब ए किसके परपेंडिकुलर है, बी के। सेकंड आपको दे रखा है ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, यानी ए किसके परपेंडिकुलर है, सी के। तो आपसे पूछा है ए किसके पैरेलल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी और सी दोनों बोथ के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या आ जाएगा बी एंड, तो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये किसके पैरेलल हो जाएगा, बी क्रॉस सी के। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।